हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 का शॉकर एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक टूल चाहिए होगा जिसे हम कहते हैं सी स्पैनर। वो आपकी टूल किट में ही आपको मिल जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड का पैनल खोल के आपको टूल किट मिल जाएगी। और उस टूल किट में आपको मिल जाएगा आपका टूल सी स्पैनर। दोस्तों, ये है वो टूल जिससे हम शॉकर को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक सेटिंग आती है वो लोएस्ट पे आती है, इस वाले पे। ये सबसे लोएस्ट होता है और सबसे सॉफ्टेस्ट सेटिंग होती है, तो उसको हमें एडजस्ट करना है। इसको हम वापस लोएस्ट पे ले आएंगे। मैंने थोड़ा सा भी टाइट रखा था, स्टिफ रखा था, क्योंकि स्टिफ सेटिंग से हमें हैंडलिंग में मदद मिलती है। तो अभी मैंने इसको स्टिफ किया हुआ है। इसके बाद हम इसको वापस से स्टॉक सेटिंग पे कर देंगे, या एक स्टेप हम आगे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मीडियम से चाहिए तो दोनों साइड हम ऐसे ही कर देंगे। सबसे पहले आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, मतलब ऐसे पकड़ के आपको एंटी क्लॉकवाइज से ऐसे इस तरफ को अंदर की तरफ को रोटेट करना है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, दोनों साइड में सेकंड सेटिंग पे आ गए हैं, मतलब सॉफ्ट एक ज़्यादा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी वीडियो आने वाली है इंटरसेप्टर 650 को लेकर, जिसमें मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें एक्सरसाइज लगी हुई क्या क्या है वो बताऊंगा। तो कीप कनेक्टेड एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।